वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स में पहली मरतबा क्रिकेट को भी शामिल किया गया है। पाकिस्तान की ब्लाइंड क्रिकेट टीम भी इन गेम्स में एक्शन में होगी। बर्मिंघम से नुमाइंदा जियो न्यूज़ साइमा हारून की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम बर्मिंघम में इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन के ज़ेरे इंतजाम होने वाले वर्ल्ड गेम्स में शिरकत के लिए बर्मिंघम पहुंच गई। बर्मिंघम आमद पर लॉर्ड मेयर बर्मिंघम की जानिब से टीम के एजाज में इस्तकबालिया दिया गया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में लॉर्ड मेयर चमनलाल का कहना था कि उन्हें खुशी है कि ये गेम्स बर्मिंघम में मुनक्कद हो रहे हैं और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। themselves but also for the country of Pakistan as well. World Blind Cricket Council के सदर और चेयरमैन पाकिस्तान ब्लाइंड काउंसिल सैयद सुल्तान शाह का कहना था कि टूर्नामेंट में ब्लाइंड क्रिकेट की दो टॉप टीम्स पाकिस्तान और भारत भी मद्दे मुकाबिल होंगी। उम्मीद है कि पब्लिक रवायती जोश खरोश से इन मुकाबलों में खिलाड़ियों को सपोर्ट करेंगे। जिस इवेंट में ये पाकिस्तान और इंडिया की टीमें हों तो वो यकीनन हाई प्रोफाइल हो जाता है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बड़ा अच्छा ये टूर्नामेंट रहेगा और इसमें पाकिस्तान और इंडिया के जो मैचेस हैं वो पब्लिक भी देखने आएगी और इससे दोनों टीम्स की हौसला अफजाई भी होगी। तकरीब के मेज़बान कौंसलर वसीम जफर और कौंसलर साइमा सुलेमान का कहना था कि ये नौजवान तारीफ के मुस्तहिक हैं जिन्होंने अपनी माजूरी को जिंदगी में आगे बढ़ने में रुकावट नहीं बनने दिया। They're here to raise the profile not just of blind cricket but of disabilities and inequalities right across society and I think they're role models, they're inspirational individuals and they're people that we absolutely as a council want to support. As someone who has family members who are blind, I know how many challenges people with disabilities, in particular with blindness, face. So I'm really, really pleased that we are able to host these games. इस मौके पर लॉर्ड मेयर की जानिब से टीम को तारीफी शील्ड भी पेश की गई। साइमा हारून, जियो न्यूज़, बर्मिंघम।